खेलते चेंज आया, आईपीएल में सुधार होता चला गया प्रैक्टिस में, जैसे कि यॉर्कर डालना है अलग से, यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के, स्लोअर की अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे उतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है और उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब बुमराह को लगा लीजिए, बुमराह को लगा लीजिए, बहुत कुछ सीखा इन लोगों ने। ये अलग से प्रैक्टिस करते थे, जूते रख के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसको हिट करना है, स्टंप रख के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसको हिट करना है यॉर्कर के लिए। तो जैसे जैसे बढ़ता चला गया, नई नई चीज़ें आती रही, सुधार होता चला गया। देखिए मिला जुला है, चेन्नई भी अच्छा है क्योंकि ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा है उनके पास में, मुंबई भी अच्छा है, बुमराह है, सनराइज़र भी अच्छा है, तो कुल मिला के अच्छा कॉम्बिनेशन है सभी टीमों के पास। बॉलर भी सभी के पास अच्छे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर्स हो, तो कुल मिला के सारी टीम का अटैक सबसे अच्छा है। देखिए अलग अलग टाइप के बॉलर होते हैं, कुछ स्विंग बॉलर हो गए, कुछ हिट द अटैक वाले बॉलर हो गए। अब भुवी को लगा लीजिए, वो शुरू में एक दो आउट कर देता है, दो ओवर में मान लो उसने 6 रन दे दिए, और 6 ओवर में मान लो तो सामने टीम के 3 आउट हो गए, तो वही रन बनते हैं 128, 135, 140, 150। तो मेरे ख्याल में तो जितना ज़्यादा आप कंटेन करोगे 6 ओवर में अटैक बिना करके, मान लो कंटेन ही करना है, कंटेन करोगे तो विकटें मिलती हैं। नहीं, उसने बहुत मेहनत करी है। देखिए फिटनेस के ऊपर ही आ जाइए, जब से मैं खेल रहा हूँ तब से फिटनेस कर रहा है, और कुछ लड़के फिटनेस अब कर रहे हैं, और उसकी जो मेहनत है, वो उसकी मेहनत कह लीजिए या फिर जो जिम करता था वो लड़के अब कर रहे हैं, वो 8 साल पहले से कर रहा है, 10 साल हो गए मेरे ख्याल में, 10 साल पहले से वो चीज़ें कर रहा है, तो बहुत सुधार किया है। पहले 35 रन बनाता था आउट हो जाता था, फिर 60 रन बनाए आउट हो जाता था, तो अब देखिए कंसिस्टेंसी इतनी हो गई है, 100 पे 100 बना रहा है, 100, उसको ना आदत सी हो गई है कि नहीं मुझे रन बनाने। और हाँ, एटीट्यूड की बात करें, ये जब भी ऐसा था और ये आज भी ऐसे ही है। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि अंदर मैच चल रहा है और ये ना मजाक करता रहता था, बातें करता रहता था, और जैसे ही अंदर गया तुरंत 100, तुरंत 90, तो ये अलग किस्म का प्लेयर है। इस साल तो इनकी टीम बैलेंस लग रही है, पहले की जो टीम थी बड़े बड़े नाम थे, बड़े नामों से आप ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अपने तरीके से खेलना, उस तरीके मिल के नहीं चलना टीम से। तो मेरे ख्याल में जो अब टीम मिली है वो अच्छी है। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो अच्छी टीम मिली तो सिर्फ कप्तान को श्रेय जाता है कि हाँ भाई वो कप्तान बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जैसे MS धोनी, टीम अगर आप उसको नॉर्मल टीम भी देते तो वो जिता देते हैं। काम लेना आना चाहिए। देखिए अपनी लाइन और लेंथ, और जो आपका सबसे मेन वेपन है, मान लो मैं स्विंग बॉलर था तो मैं स्विंग से बीट करा सकता था, तो मैं तो वही करता था कि मुझे अच्छे एरिया में बॉल डालनी है, अपने स्विंग पे कंट्रोल रखना है। मैंने गेल को भी सामने मेडन ओवर डाले हैं उसमें। तो जो आपका बेस्ट वेपन है, जो आप सबसे ज़्यादा जानते हो बॉलिंग के बारे में, वो शुरू में करना चाहिए। फेवरेट टीम तो चेन्नई,